पांडे जी, अगर तुसी ने चाचा जी को गिरफ्तार किया तो आपको हम सबको गिरफ्तार करना पड़ेगा। क्यों यारो? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। चाचा जी अंदर जाएंगे तो हम भी अंदर जाएंगे, चाचा जी अंदर जाएंगे तो हम भी अंदर जाएंगे, चाचा जी अंदर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चाचा जी अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, हमको अंदर नहीं जाएंगे। अरे जरा समझाओ चाचा जी को, पुलिस स्टेशन में आकर एक ईमानदार पुलिस वाले पर झूठा आरोप लगा रहे हैं। जी जी जी, चाचा जी की ओर से हम सब आपको सॉरी बोलते हैं। क्या सॉरी? इन्होंने भी तो झूठा आरोप लगा के इन तीनों को अंदर डाले। तो कोई झूठा आरोप नहीं है, इन लोगों ने सच में एक औरत को धमकाया है। एक मिनट सीट जी, कहीं पांडे जी उस औरत की बात तो नहीं कर रहे? किस औरत के? सुबह गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक औरत आई थी, वो लाल कलर का ड्रेस पहन के मोबाइल खरीदने। अरे हाँ, लेकिन हमने उसे कहाँ धमकाया? नहीं, हमने उन्हें धमकाया नहीं था, लेकिन हो सकता है उस औरत ने पांडे जी को अलग स्टोरी ही बताई हो। काका एक्झॅक्टली काय झालेलं? अरे काय झालं, यांना सांगून द्या, त्यांना अलगशी सांगायला लागेल। मी सांगतो तेव्हा सगळं ऐकून घ्या ना सगळं। हा बरोबर आहे पांडेजी। चालू जी पांडे जी, आज क्या हुआ? हमारी दुकान में एक औरत आई थी मोबाइल खरीदने, तो क्या हुआ के? तो मैडम इसका पेमेंट कैसे करेंगे, कैश या कार्ड? हाँ ये लीजिए 10,000। मैडम मैंने आपसे कहा ये फोन 32,000 का है। हाँ तो ठीक है, बाकी पेमेंट शाम को कर जाऊंगी आके, ठीक है? एक मिनट सेठ जी, एक मिनट आएंगे प्लीज? हाँ जरूर। सेठ जी ये मैडम ने फोन खरीदा है 32,000 का, लेकिन बोल रहे हैं 10,000 अभी देंगे और बाकी का शाम को आके देके जाएंगे। हाँ तो कोई बात नहीं, तू ये पे साइड पर रख दे, शाम को जब मैडम पूरा पेमेंट दे दे तब डिलीवरी कर देना मोबाइल की। मोबाइल मुझे अभी चाहिए। मैडम बिना पूरा पेमेंट किए सॉरी, हम आपको डिलीवरी तो नहीं दे पाएंगे। आपको क्या लगता है मैं चीटर हूँ? शाम को बाकी पेमेंट देने नहीं आऊंगी? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है मैडम, क्या है कि हमारे बिजनेस के कुछ पॉलिसी है। क्या है? पॉलिसी। हाँ, हमारी दुकान से कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए आपको डिलीवरी तो पूरा पेमेंट देने के बाद ही मिल सकती है। इसका मतलब तो यही है ना कि आपको ये लगता है कि मैं शाम को पेमेंट देने नहीं आऊंगी? मैडम मैंने कहा ना ऐसी बात नहीं है। मैडम ऐसी बात नहीं है तो फिर दे दीजिए मोबाइल। मैडम मैंने कहा ना मोबाइल तो आपको पूरा पेमेंट देने के बाद ही हम दे पाएंगे। ठीक है, नहीं चाहिए मोबाइल। जैसी आपकी मर्जी मैडम। आप ना मेरे कैरेक्टर पर डाउट करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, आपको ना मेरा अपमान बहुत भारी पड़ेगा। अपमान क्या किया? कमाल है चेटाला, की बात सुन के ऐसा लगता है कि वो तुम्हें धमका के चली गई। वही तो, उल्टा तुम्हें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। वही तो, ये तो हमारी सराफत है कि हम उनके खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर रहे। पांडे जी इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता है, आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए। सही बात है। ए, क्या छोड़ देना चाहिए? नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे ये, और मैं समझ गया कि क्यों नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ूंगा मैं? बदला लेने के लिए। बदला लेने के लिए? किसके साथ कौन बदला ले रहा है?
अरे पांडे जी, तुमसे बदला ले रहे हैं। तो क्यों? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्योंकि आज तक गोकुलधाम सोसाइटी का एक भी केस वो सॉल्व नहीं कर पाया ना। और पर उसमें मेरी क्या गलती? और वैसे भी सोसाइटी का सेक्रेटरी तो भीड़े है, तो अगर बदला लेना हो तो भीड़े से बदला ले। अरे क्या इससे लो, सारे केस के अकेले मैंने थोड़ी सॉल्व किए, हम सबने मिलकर किए। अरे तो केस सॉल्व करने की सजा मैं अकेला क्यों भुगतूं? सारे गोकुलधाम वासी मेरे साथ ही अंदर होने चाहिए ना। और पांडे जी, हम तो गोकुलधाम सोसाइटी में रहते भी नहीं है, फिर हमें अंदर क्यों किया है? गुड पॉइंट बागा। अरे लेकिन ये कोई वजह थोड़ी है अंदर डालने की, ये तो बचपन है पांडे जी। बचपन? हाँ ये तो गलत बात है, आप बदला लेने के लिए ये सब कर रहे हैं। मजा आ जाएगा। मोटी कमर। उड़ गए ना तोते पोपटलाल।